दोस्तों तुहाडा सारयां दा स्वागत है जी। अज असी जिहड़ा ईडी दा झूठ दा पुलंदा कल फाइल किया हाईकोर्ट दे विच, आ तुसीं देख सकते हो पूरा एक वड्डा दस्तावेज आ कोई 80 पेजेस दा। मेरे नाल तअल्लुक रखण वाला या साडे नाल तअल्लुक रखण वाले ते इहदे 6-7 पेजेस ने रेलेवेंट, बाकी सब इररेलेवेंट मटीरियल। झूठ दा पुलंदा इसलिए कहा कि इहदे च बहुत बेबुनियाद इल्जाम साडे उत्ते कि इन्हों के कोल अनअकाउंटेड वैल्थ आ, अनअकाउंटेड पैसा है, और एक प्री प्लैन तरीके जिदा किसी का कैरेक्टर असैसीनेशन करना हों, किसी के खिलाफ विलीफिकेशन कैंपेन चलाना बकायदा ऑर्गनाइज ताकि मेरी छवि खराब होवे लोगों के। इस नज़रिए ईडी ने ना सिर्फ पहला साढ़े उत्ते रेड किए, पर उस तो बाद जरा असी हाईकोर्ट गए हैं वो रिस्पोंस में जरा कल एफिडेविट फाइल किया, इसनों मैं एक बंडल ऑफ लाइज, इट्स अ कॉक एंड बुल स्टोरी, आई ट्रैश डिपंक एवरीथिंग। और मैं अफसोस है कि बड़े 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 अखबार वाले ने अद्धा अद्धा सफ़ा, पूरा अद्धा अद्धा सफ़ा साढ़े इस ऊल जलूल जी कहानी बनाई वो उत्ते साढ़े खिलाफ दिते। कई ने तो ये भी नहीं मुनासिब समझा भी इन्हों का रिएक्शन ही ले लिया। असी मैं उम्मीद करदा कि जो प्रिंट मीडिया वा जो रिस्पोंसिबल मीडिया इस देश का, वह अज सानू अद्धा सफ़ा नहीं तो एक चौथा हिस्सा पेज का जरूर देगा ताकि मैं अपनी गल नू अपनी सफाई दे सकां। असी बेगुनाह वा, असी अरसे तो मैं ते मेरा परिवार असी भ्रिष्टाचार ते ज़्यादतियां ते हर किस्म की बेइंसाफी के खिलाफ अरसे तो लड़ते आ रहे हैं। आई वुड से कि आ जिहड़ा बीजेपी की सरकार ने ते ईडी ने साढ़े ते हमला किया, दिस इज़ लाइक शूटिंग द मैसेंजर, दिस इज़ लाइक जिहड़ा इन्होंने उन्होंने साढ़े ते यतन किया कि इन्हों की आवाज़ बंद कराइए, इन्हों धमकाओ, इन्हों बाहां मरोड़ो, और इस एजेंसी का दुरुपयोग किया बीजेपी सरकार ने। क्योंकि मैं काफ़ी अरसे तो किसान अंदोलन का हमायती नहीं सिर्फ वो प्रोएक्टिव रोल प्ले किया, नवरीत सिंह डिबडिबा के केस को खास तौर पर जो किसी ने भी नहीं चुकया, जो किसान अंदोलन के आगुआ ने भी उधर ध्यान नहीं दिता, उस दा लड़ाई लड़ के दिल्ली हाई कोर्ट में वो परिवार हरदीप सिंह दादा जी नू उत्थे पहुँचदा करके ते पुलिस ते दिल्ली की सरकार बीजेपी नू कटघरे में खड़ा किया, ये गल्लां उन्हां नू चुभदियां ने। और इत्थे बस नहीं, मैं जे गल पिछे चल जावां, मैं आई हैव बीन अपोजिंग बीजेपी सिंस एवर सिंस दे एब्रोगेटेड ईवन आर्टिकल 370 इन जम्मू कश्मीर। सारा देश, सारिया पोलीटिकल पार्टियां आ जिहड़े कुछ फर्जी जिहड़े दिल्ली हुण रोंदे ने कि साडे सूबे दे अधिकार कट दिते गए ने अरविंद केजरीवाल वर्गे, इन्हां ने भी 370 की सपोर्ट की सी। आई वॉज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल इन दिस कंट्री जिन्हां ने यह कहा कि सरासर गलत है, ये फैडरल ढांचे के उत्ते डाका वा, तुसीं एक बनी बनाई स्टेट नूं दो टोटे करके तुसीं उन्हां दी तोहीन कीती आ, ते इह गल्लां चुभदियां ने। CAA का विरोध किया, दिल्ली में जिहड़े दंगे कराए गए ऑर्गेनाइज स्टेट स्पोंसर राइट्स, जिहदा किसे वेले सिख कतलेआम होया सी 84 च, एन उसकी तर्ज ते CAA दे शाहीन बाग दे मोर्चे दे दे दौरान जिहड़े उत्थे दंगे कराए गए उहदा विरोध किया। ये किते ना किते बीजेपी दे खेमिआं विच साडा विरोध खटकदा सीगा। उन्होंने बाकी सारे करप्ट बंदे ने जिहड़े पॉलिटिशियन ने सारे देश विच ते पंजाब दे विच जिन्हां ने सैकड़े हज़ारां करोड़ां दा चूना ला के इस देश नूं लुटिया, उन्हां वल ईडी ते एजेंसियां ने कोई ध्यान नहीं किया, ते मेरे वर्गे एक नमाणा भी कह सकदा, एक बेगुनाह बंदा भी कह सकदा, मेरे खिलाफ एडा वड्डा रेड किया गया। और गल शुगल दी सुनो तुसीं कि मेरे खिलाफ अज तक कोई FIR नहीं गई बाय ईडी, किसी तरह का मेरे खिलाफ कोई उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं, सिर्फ एक ECIR जिहड़ी उन्होंने इन हाउस डॉक्यूमेंट है जिहड़ा किसी नूं डिस्कलोज नहीं करते, उहदे आधार दे उत्ते किड्डा वड्डा रेड मारिया, 100-150 बंदा लैके साडे घरां दे विच वड़ गए, साढ़े 2 PSOs नूं करोना पॉजिटिव कर गए ने। और हुण जदों असीं हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में पहले रिएक्शन में उन्होंने जिहड़े एडिशनल सोलिसिटर जनरल पेश होए ने दिल्ली तो, उन्होंने कहा जी कि सुखपाल सिंह खहरा इज़ नॉट एन अक्यूज, बट इन दिस डॉक्यूमेंट दे गो वन स्टैप अहैड दैट ही इज़ नॉट इवन अग्रीव्ड, अक्यूज तो थले आण के अग्रीव्ड भी नहीं, तो जी असी अग्रीव्ड नहीं गए, असी अक्यूज नहीं गए, असी गुनाहगार नहीं गए, तो तुहानू किहने अधिकार दिता कि तुसीं किसी के घरां दे विच वड़ के 100-150 मुलाजम पुलिस वाला भेज के तुसीं साडे घरां दे विच गैर कानूनी रेड करो और सारा कुछ जब्त करन तो लिजा के मन घड़त कहानियां पेश करो। अज साडे ते इल्जाम लाया जी इन्होंने, और ये गल सुन लो जिहड़ी इल्जाम तराशी कीती आ, ये कोई पिछले 2-3 महीनों के बारे नहीं गल कर रहे हो, 12 साल का टाइम चुक लिया जी, 12 साल के मेरे सारे अकाउंट्स की डिटेल्स लैके तो साढ़े इल्जाम लाता
कि जी इन्हां दे कोल 3,85,00,000 अनअकाउंटेड इनकम इन खैराज अकाउंट्स। लुक एट द ड्रामा। और ये 3,85,00,000 जो तो जिक्र कर रहे ना, भुल गए कि एग्रीकल्चरिस्ट भी ने, इन्होंने एग्रीकल्चर जिहड़े आ लिमिट्स बनाईआं ने, बैंकों तो कर्जा चुकिया लगभग 3,00,00,000 के करीब मेरा लोन है, उस लोन नूं भी अनअकाउंटेड इनकम के पाता तो उन्होंने लगभग 4,00,00,000 रुपया बनाई जाते हैं। 3,00,00,000 रुपए का कर्जा उसनों भी ये गिण के आमदन शो करके मेरे अकाउंट्स के चार 3,85,00,000 रुपए की अनअकाउंटेड वेल्थ। दूजा इल्जाम मेरे ते लाया उन्होंने, मैं तुम्हें सारा दसदा। दूसरा इल्जाम लाते हैं जी कि इन्होंने 84,00,000 रुपया कैश ट्रांसफर किया 12 साल। जे 84 नूं 12 नाल तकसीम करिए 7,00,000 रुपया कहिंदे ने कि हर साल अपने अकाउंट्स विच कैश जमा किया। भुल गए कि मेरे कोल मेरी जमीन की लगभग 25,00,000 रुपया सालाना जमीन तो आमदन है। मैं अपने घर के खर्चे कट कुट के करन तो बाद जे एक साल विच उस 25,00,000 रुपए विचों 7,00,000 रुपया जमा कराता, मैं किहड़ी मनी लॉन्डरिंग करती जी, मैं की गुनाह कर दिता वा। उन्होंने भी मनी लॉन्डरिंग का नाम दिता जा रहा वा। और ज़्यादातर जिहड़े कैश डिपॉजिट्स गए ने पिछले 12 साल, यानी कि 7,00,000 रुपया एवरेज एक साल विच, ए ज़्यादातर मैं जिहड़ियां बैंकों तो कर्जे चुके हुए ने, एग्रीकल्चर लिमिट्स बनाईआं ने, उहदे इंट्रस्ट पेमेंट है, उहदी इंट्रस्ट पेमेंट नूं मनी लॉन्डरिंग का नाम दिता गया वा। और मैनूं इह कहिंदे ने जी कि इन्हां दी आमदन सिर्फ 99,00,000 शो हुई है, अनअकाउंटेड वेल्थ इन्नी है। दे फॉरगॉट दैट आई एम एन एग्रीकल्चरिस्ट, आई हैव एग्रीकल्चर इनकम ऑलसो। और इस तो पहला कि मैं अगे चला, जिहड़ा काम ईडी ने सैकड़े बंदिया ना रेड मारिया ते कई हफ्तों की तहकीकात की, तो हुण हाईकोर्ट तक आह फजूल बोगस साढ़े इल्जाम ला रहे ने, ये काम तो इनकम टैक्स कर सकते जी। जे मेरिया अकाउंट्स नूं देखना, असैस करना कि किन्ना पैसा आया तो किन्ना इन्होंने खर्चा, जे 12 साल का करना सीगा तो इनकम टैक्स का एक इंस्पैक्टर मैनू सद लैंदा अपने दफ्तर के, मैं तो सारी डिटेल्स ले लैंदा, मैं सारी डिटेल्स दे देनियां सीगियां। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज दे हैड टू मेक अ सेंसेशन आउट ऑफ इट, दे हैड टू यू नो शो रेस्ट ऑफ पंजाब कि जे असीं तुहाडे साबका लीडर ऑफ ऑपोजिशन का आ हाल कर सकते हैं, तो जिहड़ा भी आदमी पंजाब का उठ के किसान अंदोलन की सपोर्ट करेगा या बीजेपी की विरोध करेगा, वह हशर तुसीं अपने आप पढ़िया विचार लो कि तुहाडा हशर की करांगे। इस इरादे दे नाल जिहड़ा ईडी का रेट सीगा, और बाद विच जिहड़ा एक वैल प्लैन तरीके नाल, पहले दिन तुहानूं याद होगा कि जिहड़ी प्रेस रिलीज़ की ईडी ने, इन्हां को फर्जी पासपोर्ट ने, कित्थे है फर्जी पासपोर्ट? इस एफिडेविट विच फर्जी पासपोर्ट का जिक्र भी नहीं गा, किसी बेनामी अकाउंट का जिक्र नहीं गा, किसी ड्रग मनी का ओथेंटिकेटेड जिक्र नहीं गा, किसी मनी लॉन्डरिंग का ओथेंटिकेटेड प्रूफ समेत कोई जिक्र नहीं गा। सिर्फ बस कहानियां बना के उस लिखी जाते हैं। फिर अगे आते हैं कहते जी थोड़े सन इन लॉ ने 64,00,000 रुपया थोड़े अकाउंट्स पर, पहला दसो मैनू कि अपने करीबी रिश्तेदारों तो पैसा उधार लेना या उन्होंने नाल कोई बिजनेस करना गुनाह है इस देश के? मेरे सन इन लॉ ने ते मेरे बेटे ने रल के एक छोटी जी एंटरप्रेनरशिप कंस्ट्रक्शन की एक छोटी जी कंपनी बनाई, या फर्म प्राइवेट लिमिटेड नहीं बनाई, वो जो सीड मनी पाया इन्होंने लगभग 20,00,000 रुपया अकाउंट चो ट्रांसफर किया मेरे सन इन लॉ ने अपने परसनल अकाउंट चो कैपिटल टू रन दैट स्मॉल कंस्ट्रक्शन कंपनी, वनू भी मनी लॉन्डरिंग कन्वर्ट कर दिता। उस तो अलावा जिहड़ा मेरा बेटा है वो मेरे सन इन लॉ की फर्म का लीगल एडवाइजर है, उन्हों का रिटेनर है, जिहड़े भी केसिस आउंदे ने अदालतों में वो लड़न का जुम्मा उन्होंने महताब सिंह खेरा नूं दित्ता होया, भरोसेयोग समझ के कि साडे रिश्तेदार आ साडे परिवार का, जिहड़े इहनूं रिटेनरशिप दिंदे ने हर महीने की, उन्होंने भी मनी लॉन्डरिंग पा दिता वा। इत्थे बस नहीं, आ पिछे जे मैनूं लोड़ सी क्योंकि मेरा एक अकाउंट NPA हो रहा सीगा, मेरा अकाउंट डिफॉल्ट में चले गया सीगा, अगर NPA हो जाती मेरी वो बैंक की लिमिट तो मेरा सारा सिबल खराब हो जाना सी, मेरे फाइनैशियल पोजिशन खराब हो जानी सी। मैं अपने सन इन लॉ रिक्वेस्ट किया कि मैं एक्स अमाउंट पैसे चाहिए ने व्याज देने वास्ते ताकि मेरा अकाउंट NPA ना हो, भी उन्हें बैंक राही भेजे मैं, और उस दिन एंट्री कनैक्ट होगी, उस दिन वो पैसा चक के मैं जोड़ा साडा कपूरथले का कैपिटल बैंक है जिस तो मैं 1,00,00,000 रुपए की लिमिट चुकी एक बैंक तो वह व्याज की अदायगी करती, वह भी मनी लॉन्डरिंग है। देयरफोर तां मैं कह रहा कि सरासर झूठी स्टोरी। अगे आ जाओ जी, अगे कहिंदे ने ये $1,00,000 जी इन्हां दे कोल USA का, US डॉलर किस आधार दे उत्ते?
आप ही लिख रहे हैं एफिडेविट विच कि दिस इज सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, आप ही ईडी कह रही सस्पिशियस। मैं तुहाडे सामने कहना चाहुंदा कि एक पैसे नवे पैसे का रवादार नहीं गा, मैं ये लियाउण जिहड़ियां ट्रांजैक्शन मेरे सामने रखणगे, जदों एक एक एंट्री का जवाब मैं देने तैयार हाँ, एक एक एंट्री का जवाब मेरे को साढ़े को पूरी डिटेल्स में है। अगला अखीरला इल्जाम लाते हैं कि जरा टोटल केस जोड़िया ना, पहला भी समझने की कोशिश करो, देर इज़ नो एफ आई आर अगेंस्ट मी, देर इज़ नो केस इन द ईडी अगेंस्ट मी, देर इज़ नो शड्यूल डिफेंस अगेंस्ट मी एट ऑल। वॉट दे हैव डन इज़ उन्होंने जी 2015 की गुरदेव सिंह दे एन डी पी एस की एफ आई आर सी चुक के उस एफ आई आर के आधार के उत्ते सानू ड्रग मनी दे नाल इनवॉल्व कर रहे हैं। हुण सुनो ध्यान नाल गल, गुरदेव सिंह मेरे हल्के का मार्केट कमेटी का सबका चेयरमैन सी, वह जो फड़िया गया सुभाविक आ कि उन्होंने मैनू अप्रोच किया, मैं एमएलए सीगा, उहदी भैण इंग्लैंड रहिंदी सी, उहने मैनू अप्रोच किया कि साडी मदद करो, जे मैं गुनाहगार हुंदा ते मैं पुलिस नूं थोड़ा टैलीफोन करदा गुरदेव वास्ते, मेरियां कॉल रिकॉर्ड्स का हिस्सा लभ लियो, उस वेले डी आई जी सी अमर सिंह चाहल फिरोजपुर रेंज का, तो शायद परमराज सिंह उमरा नंगल या कोई ऑफिसर सीगा, मैं उन्होंने फोन किए और फोन करके सिर्फ इन्ना कहा कि मेरी कॉन्स्टिटुएंसी का एक आदमी जिदे ते पहला कोई इल्जाम नहीं गा वो फड़िया गया वा, कृपा करके वो किसी तरह देखना कि कोई ज्यादती मतलब कि बेगुनाह ना रगड़िया जाए। बस इनू भी उन्होंने ड्रग्स के नाल जोड़ के उस वक्त अकाली दल की सरकार से उन्होंने पुलंदा बना के रख दिता, पर किया कुछ नहीं, बिकॉज दे हैड नथिंग अगेंस्ट मी अदर दैन कॉल रिकॉर्ड्स। मैं फिर रिकॉर्ड तो लैके आया, अगर मैं झूठाऊंगा आई विल क्विट पॉलिटिक्स, मेरा गुरदेव सिंह दे नाल एक नवे पैसे का व्यापार नहीं गा, मेरी कोई वो बैंक ट्रांजैक्शन गुरदेव सिंह नाल नहीं गी, मेरी गुरदेव सिंह दे नाल कोई प्रॉपर्टी नामी बेनामी कोई सांझी नहीं गी, एक नवे पैसे का चीची जिन्ना भी कुछ नहीं कढ़ सकते ये। पर कहिंदे जी गुरदेव सिंह इन्हां नूं ड्रग मनी दे नाल इलैक्शनस फंड करता सी ते गड्डियां अरेंज करता सी, कि इलैक्शन जी 2015 का गिरफ्तार होया, उन्हूं जेल भेजता, उहदी ट्रायल होई 10-12 बंदियां दे नाल, उन्हूं 20 साल कैद हो गई, वह तो जेल च है, मेरी कि इलैक्शन उन्होंने फंड कर दी, कितने लिखा नहीं गा, सिर्फ कहानी बना के कितने नहीं लिखा कि गड्डी नंबर फलानी या लख रुपया फलाने अकाउंट चो, नो जस्ट स्टोरी कुकअप करके ताइयों मैं क्या बंडल ऑफ लाइज झूठ का पुलंदा। ए तो कल मैं लिख दूंगा कि ट्रंप नूं मैं 15 करोड़ रुपया दिता सीगा, कहना ही हाँ कह दौ, इस तरह नाल मन घड़त कहानी बना के जी कि गुरदेव इन्हां नूं पैसे दिता सी, जे बंदा जेल च है जिहड़ा बंदा सज़ा याफ्ता वा वह मैनूं 2017 च की पैसे देगा जी, हुण पहला आ जाओ, तो 2015 तो पहला गुरदेव सिंह दे उत्ते कोई एफ आई आर नहीं सी, एफ आई आर तो छोड़ो कंप्लेंट भी नहीं सी, जे कंप्लेंट नहीं सी एफ आई आर नहीं सी ड्रग मनी कितों हो गया जी फिर। पर इस तो अलावा भी मैं कहना 25 साल पिछे चल जाण गुरदेव सिंह दे नाल मेरा तल्लुकात साबित कर देन कि पैसे का लेन देन सीगा, आई विल जस्ट क्विट पॉलिटिक्स ऑल टूगैदर, ईडी यूडी तो छड्डो राजनीति छड्ड देंगे, एक नवे पैसे का मेरा रवादारी उहदे नाल कोई प्रॉपर्टी सांझी होवे नथिंग एट ऑल। इस तरह का झूठा मुकदमा बना के ये सिर्फ तो सिर्फ जिदा मैं पहला कहा कि एक आदमी की इमेज खराब करते हैं, डराते ने धमकाते ने और हाईकोर्ट में जाके कहते साडा गुनाहगार नहीं गा, ये सारा मैं तुहाडे सामने तां रख्या वा, आई फाइट इट आउट, असी कोई कायर बंदे नहीं गए कि असी घबरा के डर के भज जाइए, इत्थे रहांगे और इन्हों फेस करांगे। और हुण विच स्टोरीज दस रहे हैं कि जी असी समन किया, समन की गल सुनो, जो उन्होंने रेड किया ईडी ने कि जिम्मेवार एजेंसी कहती अपने आप को देश की, किसी को नैगेटिव सर्टिफिकेट नहीं सीगा कोविड-19 का, किसी को किसी के हाथ में दस्ताने नहीं पाए से, हज़ारा चीज़ा छेड़िया किचन यूटेंसल्स तो लैके साडे घर में चाह पीती खाना खाधा अलमारिया छेड़िया, मेरे बेटी प्रैगनेंट सी उहदा बच्चा बाद में होया उहदे सारे कपड़िया छेड़िया अलमारिया, तो साडे घर में करोना दे गए ने, मेरा 2 PSOs, एक PSO हरजीत सिंह, एक PSO ओंकार सिंह, एक चंडीगढ़ वाला कोविड पॉजिटिव हो गया बीमार पिया बेचारे वो लंग्स चो खून आ रहा वा, एक मेरा जिहड़ा पिंड जिहने इन्हां नूं रोटी खवाई एक वो पॉजिटिव आ गया, सानू समन आए, मैं कहा डू यू वॉन्ट अस टू कम विदाउट गेटिंग आवर कोविड टेस्ट डन, इफ यू वॉन्ट विल कम, कहिंदे नहीं नहीं आयो ना तुसी अपने कागज़ किसी रिटेनर के राही जिहड़े डॉक्यूमेंट सानू मंगे लिस्टां भेजियां, उन्होंने 3 नोटिस कढ़े सीगे मैनू ते मेरे PA नूं मनीष नूं, एक मेरे सन इन लॉ नूं, तिन्नां नूं समन किया सीगा, तिन्ना ने जो डॉक्यूमेंट्स मंगे सी वो सारे डॉक्यूमेंट्स असी इन्हां नूं प्रोवाइड करके ऑथराइज्ड परसन के थ्रू जिहड़ा इन्हां दा दिल्ली खान मार्केट के ईडी का दफ्तर उत्थे जाके असी
जमा करवाए हैं। देयरफॉर आई वांट टू से कि असी लॉ अबाइडिंग है, आई हैव आई एम वी आर नॉट ओनली लॉ अबाइडिंग, वी आर ऑल्सो गॉड फेयरिंग, वील नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग लाइक दिस विच इज ब्लेटेंटली इलीगल और इलीजिटमेट। साडा मेरे खानदान का पछोकड़ है, मेरे पिता जी सरदार सुखजिंदर सिंह अज दुनिया च नहीं गए, उन्होंने दरबार साहब की पुलिस भेजी सी बरनाला साहब की सरकार ने, उस वेले वजारत नूं ठुड्डा मारिया सी कैप्टन अमरिंदर सिंह, ते मेरे पिता जी उस वेले 1985 च अकाली दल की सरकार विच मिनिस्टर सीगे, ते जदों पुलिस एंट्री की 86 विच बरनाला साहब की सरकार ने असी अपनी वजारत छड्ड दित्ती। मेरे पिता जी ने घट्टो घट 6-7 साल एमरजेंसी तो लैके हर जुल्म के खिलाफ कैदा कट्टिया ने, नैशनल सिक्योरिटी एक्ट अधीन डिटेंशन कट्टिया ने, सज़ा नहीं हुई कोई। असी तो लड़न पिंड वाले आदमी हाँ, और असी कोई ना कभी जिंदगी इस तरह का काम गलत किया वा, ओपोजिशन में रहा सदा, आई हैव नैवर बीन इन ऑफिस, आई हैव नैवर बीन एनी यू नो अ प्लेस वेयर आई कुड हैव अर्न मनी। मैंने कल मौका भी मिलेगा, मैं जिंदगी कहना चाहना कि कभी भी नहीं करा, कभी नहीं, क्योंकि साडा काम यही नहीं गा, वी आर हेयर टू सर्व द पीपल नॉट टू लूट द पीपल। तो जिन्होंने लुटिया वा, जिन्होंने होटल बनाए ने, बसा बनाइया ने, 7 सितारे होटल बनाए ने, उन्होंने खिलाफ तो ईडी जरूरत भी नहीं करती कोई। बड़े वड्डे वड्डे नाम ने पंजाब दे विच, रियल एस्टेट बैरन्स पॉलिटिशियंस, वड्डिया वड्डिया शुगर मिलों के मालक, वड्डिया वड्डिया डिस्टिलरिया के मालक, उन्होंने खिलाफ तो ईडी कोई जाती नहीं हैगी। सुखपाल सिंह खेरा क्यों चुनिया गया वा? सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट बिकॉज वी आर वोकल, आई अपोज बीजेपी टूथ एंड नेल एंड विल कंटिन्यू टू डू सो। उन्होंने कहा इनू टारगेट करो, इनू फड़ के जलील कर दो, बदनाम कर दो, बाकी भी डर जाएंगे, ये बाकियों नूं भी डराउंदे ने बाय द वे। और मैं ऋणी हाँ पंजाब विधानसभा के समूह पार्टियां के मैंबर्स का, जिन्होंने साडे हक विच हाँ का नारा मार के एक मता पास करके साडी सपोर्ट की है। सो दिस वॉज द स्टोरी दैट आई वॉन्टिड टू शेयर विद यू। और आ सारा डॉक्यूमेंट 6-7 पेज ने, बाकी सारा बोगस है। और मैं ये भी कहना चाहना, सानू तो डराउंदे ने, ये जुडिशरी के उत्ते भी एडवर्स इंपैक्ट पाते हैं इदा कहानियां बना के कि जी ड्रग मनी चले गया, दस्या कि नहीं गया कितों आया, गड्डिया देतियां, गड्डी का नंबर भी नहीं दिता कि गड्डी है, इन्ने पैसे ट्रांजैक्शन होगी, दस्या नहीं गया कि ये साढ़े लोन दियाँ एग्रीकल्चर लिमिट से का भी क्रेडिट है। जो मैं लिमिट मिलती 1 करोड़ रुपया, फर्ज करो वो मेरे खाते में 1 करोड़ रुपया बैंक पाऊगा, ताइयों मैं लिमिट लूँगा ना उन्होंने, उसमें मैं रेगुलरली यूज़ करता रहना, यूज़ करता रहना, जो खत्म हो जाती है आई हैव टू कीप ऑन पेइंग द इंटरेस्ट रेगुलरली, इज दैट एन ऑफेंस, इज दिस मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग होंगी आ सैकड़े हज़ारों करोड़ों ऑफशोर अकाउंट्स राही कमाना, इदा देशों विदेशों में करेबियन आइलैंड्स में दुबई के ले जाके पैसा, स्विट्जरलैंड के बैंकों में घुमा के पैसा, उन्होंने काले नूं चिट्टा करके जो वापस लेके आते हो उन्होंने कहिंदे ने मनी लॉन्ड्रिंग, नॉट योर परसनल अकाउंट्स। जिहड़े परसनल अकाउंट्स मैं उन्होंने उत्ते अपने, मैं अपने परसनल अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग करूँगा? अपने परसनल अकाउंट्स में कोई मनी लॉन्ड्रिंग करता हुंदा? हो सकती है, कुछ नहीं लब्भा। तो हुण आ सारा एक विलीफिकेशन कैंपेन, एक विशियस प्रोपोगेंडा अगेंस्ट मी जस्ट, एंड ऑलसो दिस टाइमिंग ऑफ द रेट शोज, ये सारे तिल मिलाए हुए ने, घबराउंदे ने। और मैनू, मैं कहना उस वाहिगुरू का मैं धन्नवाद करदा कि साडी आवाज़ तो इन्ने डरदे ने कि इन्होंने सारे पंजाब की 3.25 करोड़ आबादी च कोई नहीं चक्या, होर सिर्फ खैरे नूं टारगेट किया वा। और मैनू दुनिया भर चो मैं उन्हां दा धन्नवाद करदा, सारी दुनिया का, मैं कहना कि विदेशों चों इत्थे बजुर्गां ने, औरतां ने, नौजवानों ने, सारिया ने कहा जदों तैनूं लोड़ पई सी तेरे नाल खड़े हाँ, क्योंकि सानूं पता वा कि तू बेगुनाह वा। दिस इज़ द सपोर्ट दैट आई हैव गॉट इन अ वे, दे हैव डन मी फेवर। इन्हों की आदत है सरकारां दी, हर 4-6 महीने बाद मैनूं उन्होंने 5-4 करोड़ रुपए की फ्री पब्लिसिटी देनी होंदी है, वह दे जाते हैं, तो मैं अपना काम जिते खड़ा वा उत्थे खड़ा, लड़ी भी जाऊँगा आने वाले समय से। यह मैं तुहाडा सारा का शुक्रिया करना।